तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं Vivo T3 X 5G के बारे में। अच्छा, उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग Vivo T3 का वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। चल 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 चल। आज T3 X का हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, कितना प्राइस पॉइंट रखा गया है, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, वो भी वीडियो के लास्ट में जो बताएंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप लोग Vivo T3 X लेना चाहते हैं तो, एंड बजट प्राइस में आप लोग अगर बेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। हेलो दोस्तों, हमेशा से मैं टिंगो एंड हमारे चैनल मास्टर में मिस्टर टिंगो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आता है Vivo T3 X 5G यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ पे ड्यूल कैमरा, 1 LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। फ्रंट में इस तरीके का कैमरा सेटअप एंड इस तरीके यहाँ पे डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो 14,999 देखने को मिल जाता है। 14,999 रुपये रखा गया है 15,000 के अराउंड। अगर आप लोग इस बजट प्राइस में लेना चाहते हैं बेस्ट 5G स्मार्टफोन या फिर आप लोग इसी स्मार्टफोन को लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है कि आप इस स्मार्टफोन को लेकर के पछता सकते हैं। पहले यहाँ पे 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। 1TB तक इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 6GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज दिया गया एक 5G स्मार्टफोन में, वो भी सिर्फ 15,000 रुपए के अराउंड में। तो ये फीचर्स मुझे काफी कमाल का लगा एंड देना चाहिए और दिया गया है। तो इस प्राइस सेगमेंट में रैम और स्टोरेज की अगर बात की जाए तो वो काफी अच्छा हो जाता है। 4nm चिपसेट के साथ में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर टोटल स्कोर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 6nm का जो आता है वो 410K एंड अगर बात की जाए 6nm का यहाँ पे अगर बात की जाए डायमंड सिटी 6080 का तो यहाँ पे 423K देखने को मिल जाता है। 4nm की अगर बात की जाए स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 जो इस स्मार्टफोन में दिया गया है 560K यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर जो दिया गया वो काफी अच्छा दिया गया है। 5G प्रोसेसर है तो वो काफी अच्छा हो जाता है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर रमजान लो परफॉर्मेंस देता है, बट यहाँ पे जो दिया गया चिपसेट 4nm का दिया गया है तो एक ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर हो जाता है। अगर 6nm का दिया जाता है तो एक लो एंड प्रोसेसर माना जाता है। तो इस प्राइस बजट में अगर बात की जाए तो प्रोसेसर भी काफी तगड़ा दिया गया है। गेमिंग अगर आप आसानी तरीके से खेल सकते हैं स्मार्टफोन 6.72 इंच के साथ में यहाँ पे 120Hz रेफ्रेश रेट के साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। स्क्रीन बॉडी रेशियो की बात की जाए तो 91.48% यहाँ पे दिया गया है। 120Hz का रेफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे जो रेफ्रेश रेट दिया गया है वो तो काफी अच्छा हो जाता है। 120Hz का यहाँ पे रेफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। बॉडी रेशियो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ अगर बात की जाए तो फुल HD डिस्प्ले ही दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग AMOLED लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन में AMOLED नहीं दिया गया इस प्राइस बजट में बात की जाए तो, बट देना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, बट नहीं दिया गया। तो अगर आप लोग AMOLED या फिर सुपर AMOLED के साथ में जाना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज़ इसमें फुल HD तक ही दिया गया है। तो फुल HD तक आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। 50+2 MP का यहाँ पे पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप 4K वीडियोस आसानी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुपर नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन में 50 MP के सपोर्ट में यहाँ पे पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो आसानी तरीके से आप 4K वीडियोस के इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है, उसमें भी आप फोटोज एंड वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट में थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज 16 MP तक तो देना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में। कुछ स्मार्टफोन में दिया भी गया हमारे चैनल पे मिल जाएगा जो कि 15,000 के अराउंड में अच्छे खासे कैमरा के साथ में 5G स्मार्टफोन भी आते हैं, बट इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए फ्रंट कैमरा को, बिकॉज 8 MP से उतना ज्यादा खास सेल्फी नहीं आता है। 6000mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड 44W का यहाँ पे फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है। सुपर बैटरी सेवर मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो 6000mAh का बैटरी कैपेसिटी, बैटरी तो मुझे काफी अच्छा दिया गया है। बड़ी फीचर्स दिया गया कि 44W 44W का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो चार्जर काफी अच्छा दिया गया इस प्राइस सेगमेंट में, काफी जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज भी कर देगा। बैटरी कैपेसिटी भी अच्छा दिया गया इस प्राइस सेगमेंट। IP64 का यहाँ पे डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट आजकल देना काफी ज्यादा जरूरी है स्मार्टफोन में, इसमें दिया गया है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। सिंगल स्पीकर से उतना ज्यादा खास आवाज नहीं आता यार, बिकॉज मेरा स्मार्टफोन में दिया गया है। ओके, तो इसमें ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है जो काफी साउंड का भी आप मजा ले सकते हैं। अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप हाई परफॉर्मेंस वाला भी गेम खेल सकते हैं, इसमें काफी अच्छा स्मूथली चलने वाला है। तो ये रहा Vivo T3 X 5G का फुल फीचर्स है। एंड अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्मार्टफोन को इस प्राइस सेगमेंट में लेना चाहिए या फिर नहीं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं कि इस प्राइस पॉइंट में इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
तो सब्सक्राइब कर लिया। चलिए अब बात करते हैं कि यार इस स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट में लेना चाहिए या फिर नहीं। हम कुछ फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो इसका मोस्ट फीचर्स दिया गया है मुझे, जो इसमें अच्छा लगा इस प्राइस सेगमेंट में। सबसे पहला इसका बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जर, ये काफी अच्छा दिया गया है इस प्राइस सेगमेंट में, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसके लिए इस स्मार्टफोन को बाय किया जा सकता है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो कैमरा क्वालिटी, जहां तक मुझे लगा इस प्राइस पॉइंट में कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। हम बैक कैमरे की बात कर रहे हैं, फ्रंट कैमरे की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। 4K वीडियोस का रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे से एक 5G स्मार्टफोन में और वो भी 15,000 के अराउंड में। फ्रंट कैमरे के लिए स्मार्टफोन को तो बिल्कुल भी बाय नहीं किया जा सकता है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो बैक कैमरा के लिए अगर आप लोग बैक कैमरे से शूट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग या फिर रील्स वगैरह तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ में इसका डिजाइनिंग एंड लुक काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है इस प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो। और इससे बड़ी बात की ये स्मार्टफोन 5G जाता है वीवो की तरफ से, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है 15,000 के अराउंड में। बहुत ही कम वीवो के ऐसे स्मार्टफोन है जो 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये स्मार्टफोन 5G जाता है वो भी सिर्फ 15,000 रुपए के अराउंड में। और लास्ट फीचर जो मुझे इसमें अच्छा लगा, 6GB रैम 128GB का स्टोरेज देखने में जाता है वीवो का स्मार्टफोन में भी 5G स्मार्टफोन और सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर में। तो ये सारे फीचर्स के लिए इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए एंड अगर आप लोगों को ये सारे फीचर्स की जरूरत है तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस भी काफी ज्यादा अच्छा लगा और चैनल पे आना चाहूँ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियोस देखने को मिलते रहेगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेट होते हैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियोस देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।